नमस्कार, आज बात करेंगे अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिसाइटिस एक काफी कॉमन डिजीज है। इसके अंदर पेट में नीचे की तरफ राइट साइड में दर्द होता है। दर्द के साथ में मरीज को वोमिटिंग होना, उल्टी आना व बुखार भी हो सकता है। ज्यादातर शुरुआत में ये दर्द नाभि के पास से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे राइट साइड में नीचे की तरफ चले जाता है। मेनली ये यंग एज के अंदर होता है, लेकिन छोटे बच्चों में और ओल्ड एज में भी हो सकता है। अगर किसी को इस टाइप की तकलीफ हो तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से भी इसके डायग्नोसिस में काफी हेल्प मिलती है। कुछ खून की जांच होती है। इसका पक्का इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अंदर पूरा अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है। आजकल यह ऑपरेशन दूरबीन से भी होता है। हॉस्पिटल में ज्यादातर केसेस में एक या दो दिन का स्टे रहता है। अगर ये ऑपरेशन न करवाएं तो इसके फटने का डर रहता है। इसमें गैंग्रीन हो सकता है, यानी कि अपेंडिक्स काली पड़ सकती है, जिससे थोड़ा ऑपरेशन बड़ा हो जाता है और कुछ रिस्क भी बढ़ जाती है। इसीलिए शुरुआत में इसका इलाज करवा लेना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में टांके 7 से 8 दिन के अंदर खोल दिए जाते हैं। रूटीन केसेस में अगले दिन से मरीज को लिक्विड डाइट शुरू कर देते हैं और 8 से 10 दिन बाद में अपना रूटीन काम कर सकता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मैं डॉक्टर मनोज सोनी, नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हिसार। धन्यवाद। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।